हेलो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक आपको बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ना है और रिंग्स थ्योरी में पढ़ना है। तो आज का पहला टॉपिक है आपका रिंग्स, रिंग विथ जीरो डिवाइजर, और इसे ही पढ़ते हैं प्रॉपर डिवाइजर ऑफ जीरो। ठीक है, सबसे पहले इसका कंडीशन समझ लेते हैं क्या बोलता है ये। ये बोलता है आपका ए नॉट इजकल टू जीरो होना चाहिए, और बी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो ए बी का प्रोडक्ट होना चाहिए जीरो के बराबर, और बी ए का भी प्रोडक्ट जीरो के बराबर होना चाहिए। मतलब इसमें दो एलिमेंट को लिया जाता है और इसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो जीरो के बराबर होना चाहिए, और अकेला जब एक अकेला मल्टीप्लाई करें तो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं इसका डिफिनेशन यहाँ पर आ चुका है। ए रिंग आर इज कॉल्ड रिंग विद जीरो डिवीजर और प्रॉपर डिवाइजर ऑफ जीरो इफ देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट ए एंड बी सच डैट। मतलब कहने का मतलब है कि आर कब होगा रिंग्स विद जीरो डिवीजर या प्रॉपर डिवीजर ऑफ जीरो, ये देयर एग्जिस्ट करेगा टू एलिमेंट ए और बी, जैसे सच डैट ए नॉट इजक्वल टू जीरो होना चाहिए और बी नॉट नॉट इजक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ए बी का जो प्रोडक्ट होगा आपका जीरो के बराबर होना चाहिए, या बी ए का प्रोडक्ट होगा या आपस में जीरो के बराबर होना चाहिए, और वेयर ए बी जो है आपका बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, इतना कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए, हम ए बराबर मान लेते हैं एक मैट्रिक्स 1 0 0 0 और नॉट बिलोंग्स टू जीरो, और बी बराबर ही एक मैट्रिक्स मान लिए जो इतना है, और इसमें आपस में दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो ये आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर इसे पलट के कहें बी को पहले और ए को बाद में मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपका रिजल्ट क्या देगा, जीरो देगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया आपका रिंग्स विथ जीरो डिवाइजर या प्रॉपर डिवाइजर ऑफ रिंग्स। ठीक है, इसमें दो कंडीशन आपको याद रखना है, ये दो प्रोडक्ट लेना है ए और बी, और ए अकेला नॉट इजकल टू जीरो होगा, बी भी नॉट इजकल टू जीरो, अगर दोनों का प्रोडक्ट हो तो आपका जीरो के बराबर होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ये बहुत ही सिंपल था और एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो आपके सबसे पहले इसका बेसिक जानकारी होना चाहिए, तब तो आप थ्योरी को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, रिंग विथआउट जीरो डिविजर्स, और इसका इसे ही इसका ही नाम है फ्री फ्रॉम जीरो डिविजर्स और नो जीरो डिविजर। ठीक है, और इसका डिफिनीसन को समझते हैं। डिफिनीसन क्या बोलता है, ए रिंग आर इज कॉल्ड रिंग विथआउट जीरो डिविजर इफ देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट ए बी सच डैट। मतलब इसका भी डिफिनीसन सेम ही है। इसमें क्या होता है, ए बी का जो प्रोडक्ट होना चाहिए ये जीरो के बराबर होना चाहिए, और इसमें क्या है कि ए बराबर जीरो होना चाहिए या बी बराबर जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसमें से ए को जीरो के बराबर होना चाहिए या बी को जीरो के बराबर, मतलब कोई एक ही जीरो के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, मतलब ए अगर जीरो के बराबर नहीं है तो बी जीरो के बराबर होगा, अगर ए जीरो के बराबर है तो बी नॉट इजकल टू जीरो होगा, वेयर ए भी आपका बिलोंग करना चाहिए आर से। यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक इंटीजर्स ले लेते हैं प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का, इज रिंग्स विथ जीरो डिविजर्स, और इंटीजर क्या किस फॉर्म में होते हैं, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू इसके फॉर्म में होते हैं, और इसका क्या करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ए बराबर जीरो लेते हैं, बी बराबर वन लेते हैं, इसे आपस में प्रोडक्ट कराएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, और इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए तब आप किसी भी क्वेश्चन को या प्रूव कर सकते हैं थ्योरम को। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और कल आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो वीडियो को देखना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।